हाय गाइज, वेलकम टू यू और माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल एक बार फिर से आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे की टॉपिक के साथ। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टॉपिक कर रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने उसके बारे में सीखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तक सीख लिया था। अब उसके आगे हम शुरू हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रखा है आपको कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो यानी हमने बताया था द अकाउंट बाय विच वी यूजुअली एड सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इस अकाउंट से पता चलता है। चलो तो अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए इस अकाउंट से सीखेंगे कैसे ये अकाउंट बनाया जाता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, तो टू में जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे आपको समझ में आ रहे हैं वो सब के सब इसमें डाले जाएंगे। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑफिस में जैसे आप क्या क्या देते हो, जैसे सैलरी है, ऑफिस में आप रेंट देते हो, ऑफिस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस के कोई फर्नीचर्स वगैरह हैं, फर्नीचर का डेप्रिशिएशंस वगैरह हो गया, तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस आपको दिखते हैं ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसे ही ऑफिस के बाद एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी इसी में आता है टू में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, तो ऐसे खर्च जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक डिफरेंस समझो। कई कंपनियां होती हैं जो एक ही जगह पे उनका ऑफिस है, वहीं मैनेजर्स मालिक सब बैठते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां जो बड़े लेवल की काम करती हैं, जैसे रिलायंस है या टाटा है या इस टाइप की जो बड़ी कंपनियां हैं, इनका एक कॉरपोरेट ऑफिस अलग सा होता है जहाँ पे इनके डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड्स के मेंबर्स बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं, सीईओ होते हैं। तो वहाँ से ये सारे के सारे देश या दुनिया भर में जहाँ भी इनके ऑफिसेज फैली हुई है उन सबको डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेट ऑफिस। वहाँ के जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वहाँ डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर की फीस होगी, बाकी जो खर्चे होंगे तो वो सारे के खर्चे इसी में काउंट हो जाते हैं। ऐसे ही आपके और खर्च हो सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटे, तो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस ध्यान लगाओ, सेल्स कर रहे हो तो सेल्समैन के कमीशन हो गए, शोरूम है उसका किराया दे रहे हो आप, सेल्स के जो एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, बैड डेब्ट्स भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके जितने भी खर्चे सेल्स से रिलेटेड आपको समझ में आते हैं वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, तो कई कंपनियां होती हैं जो माल को खुद से बेचती नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा पेप्सी वेप्सी के बारे में, कोको कोला है, ऐसे कई कंपनियां ये क्या करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हर एक शॉप पर जाता है, अपने ऑर्डर ले लेता है आपको कितना क्या चाहिए, थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ियां आती हैं या एक दो दिन के बाद जो पीछे से फॉलो अप के लिए उनकी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों में सामान होता है वो सारा सामान जो होता है उन डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर के दुकान तक पहुंचा दिया जाता है। अब शॉपकीपर उस सामान को बेचेगा, पेमेंट कर देगा। तो दैट्स यहाँ पे देखो हम होलसेलर जो होता है, होलसेलर के यहाँ जाकर सामान खरीद कर लाते थे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर आपके डोर स्टेप तक सामान छोड़ कर जाता है। तो यानी आपके डोर स्टेप पे वो सामान डिलीवर कर रहा है और उसके बाद आप बेचते हो, बेचकर पैसे रिकवर करते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जितने भी एक्सपेंसेज है वो हो गए, उसके साथ जो गाड़ी चल रही है उसके तेल वगैरह हो गए, उनके जो अपने कमीशंस होते हैं वो हो गया, जो उनके साथ ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं जो घूम घूम कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके खर्चे होते हैं, तो ये सब इसी में कॉन्वेंस वगैरह इसी में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ और क्या हो सकता है, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से कोई खर्च हो तो वो भी इसी में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही नॉर्मली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं इन्हीं को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके सिवा और क्या हो सकता है बेटा, इसके सिवा हो सकता है कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दे रखा हो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहते हैं जो रुपए पैसे से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो भी खर्चे यहीं पे दिखे जाते हैं। ठीक है,
तब तक हमने सीख लिया ऑफिस वगैरह के बारे में, हमें समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव की बात, हमें समझ में आ गई। सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस समझ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ये समझ गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं ये समझ गए। इसके सिवा क्या है, अदर कोई भी एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई अदर खर्चे हैं लॉसेस हैं, जैसे मान लो सेल करने से कोई, मान लो फिक्स सेट्स है उसको बेचा उससे लॉस हो गया, या कोई और है माल आग लग गया, चोरी हो गई, जल गया, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, कोई भी आपको खर्च समझ में आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा हो, कमीशन दे रहा हो, जो भी खर्च समझ में आ रहा है, ओवरऑल सारे खर्चे जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ लिख देता हूँ जो आपको की पॉइंट की तरह आपको याद रहेगा, मैं इसको रेड से इंडिकेट कर देता हूँ, इनमें क्या नहीं लेते हैं वो ध्यान लो। एक्सेप्ट तीन चीजें नहीं लेते, इनकम टैक्स नहीं लेंगे आप, ड्राइंग्स नहीं लेते, पर्सनल एक्सपेंसेस होगा नहीं लेंगे आप, LIC का प्रीमियम दे रखा हो तो नहीं लेंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम थे उनको नहीं लेंगे। मतलब मोटी मोटी बातें समझ में आ गई आपको, इनकम टैक्स नहीं लेना, क्यों, इनकम टैक्स जो होता है वो मालिक का खर्च होता है, इसलिए PNL में नहीं आएगा। ड्राइंग्स ये भी मालिक के हो गए, पर्सनल एक्सपेंसेस ये भी मालिक का हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की तो लाइफ होती नहीं है, तो मालिक का अगर LIC प्रीमियम है तो वो भी नहीं लिया जाए, ये ध्यान रखना। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, बिजनेस का कोई और इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम है वो जाएगा, LIC नहीं जाएगा, क्लियर है। और ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस थे वो भी इसमें नहीं आते। बस अब इधर क्या क्या आएगा बेटा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया रहता है, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आ गया। अब एक चीज इसको बता देता हूं, ये इफ लिख देता हूं, ये है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आया, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो वो इधर लिखते, टू साइड में ग्रॉस लॉस सेम। मैं इसलिए प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, नॉर्मल है बिजनेस में हम प्रॉफिट में ही होते हैं, ये अगर मान लो सपोज लॉस होता तो वो यहाँ पे हो जाता, मैं इसको छोटा सा इंडिकेट करता हूँ, टू ग्रॉस लॉस, ये इफ लिख देता हूँ। इफ का मतलब दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, यानी क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या क्वेश्चन में लॉस दिया होगा, एक साथ दोनों चीज़ें किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, यानी या तो लॉस है या प्रॉफिट है, आराम से इनको इंडिकेट कर लेंगे। अब इसके सिवा इधर बाय में और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो बाय में जितने भी आपको अदर इनकम्स दिख रहे हैं, अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है बेटा, तो जैसे मान लो आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी आइटम जो रिसीव्ड में दे रखा है ये सब यहीं पे आ जाएंगे, हम इनको यहाँ इंडिकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इतना सा ये चीज़ें तो हो गए हम जो इनमें इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि हमें पता चलता है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैसे है, उसको एसरटेन कैसे करेंगे वो भी हम सीख। इसमें मोटा मोटा सा तरीका क्या होता है, वही वाला सिंपल, देखो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको ताकि आप रेड से इसको इंडिकेट कर सको, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो ये जो निकल के आएगा नेट लॉस कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है ये जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिए, आपके सारे टॉपिक कवर हैं। समझ रहे हो, फिर से समझो, अगर डेबिट साइड, डेबिट साइड हमारा कौन है बेटा, ये वाला, अगर इस साइड पैसे अमाउंट ज़्यादा हो रहे हैं इधर कम है तो हम बैलेंस निकालेंगे कैसे, जिधर ज़्यादा हुआ उस साइड जोड़ा जाता है, आप जानते हो, हमने इस साइड का पैसा ऐड कर दिया, अब जो उतना ही पैसा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, तो इस साइड हमने ऐड किया उतना ही पैसा हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय में अगर लॉस है तो आप लॉस को इंडिकेट कर दो, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान दें, तो यहाँ पे नेट लॉस करके आ जाएगा, नेट लॉस ब्रैकेट में दिखा दोगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर लॉस आया तो यहाँ पे इंडिकेट हो गया। अब वही उसका उल्टा लो, अगर सपोज करो इसी साइड ज़्यादा होता तो हम इस साइड टोटल लिखेंगे, ये वाला पैसा फिर यहाँ पे नहीं होता, ये जो नेट लॉस है ये नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं इस साइड का पैसा टोटल किया उतना ही कैप सामने में हमने यहाँ लिखा, और इस साइड हम लिखेंगे वो क्या आएगा नेट प्रॉफिट, तो ऐसे लिखोगे नेट प्रॉफिट, ये भी फिर वैसे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आपका एराइज होगा, समझ रहे हो। तो ये आराम से आप टॉपिक्स को कवर कीजिए, फिर से हम एक बार ध्यान लगा लो, चलो मैं एक बार फ्लैश कर दूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर डालिए, ग्रॉस लॉस है तो इधर डालिए, जितने भी खर्चे दिख रहे हैं खर्चों में सिर्फ दो तीन चीज़ों को इग्नोर करोगे, क्या क्या चीज़ें, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जिन खर्चों को दे दिया वो नहीं देखेंगे, दूसरा इनकम टैक्स है, ड्राइंग्स है, LIC का प्रीमियम है, या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस दे रखा हो, तो ये खर्चे छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस इधर लिख डालिए। एक्सपेंसेस सारे लिख दिए आपने, अब इधर क्या करोगे, जो इनकम दे रखे हैं जैसे रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, इस टाइप के कोई भी इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये वो है, तो वो सारे इनकम या जो प्रॉफिट है वो इधर लिख दीजिए। अब उसके बाद आप देखोगे अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उतना पैसा ऐड करके दूसरे साइड में लिखिए, बैलेंस निकल के आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उल्टा लो, अगर इधर ज़्यादा हुआ तो इस साइड में आप टोटल कर दीजिएगा, जो बैलेंस निकल के आएगा वो इस साइड निकालिएगा, यहाँ पे नेट लॉस के नाम से ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इतना हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट हो गया, आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कवर कर लिया था, अब इसके आगे हमारी एक टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट, ये दो चीज़ों का थोड़ा हम सीख लें, यानी एक तरह से कहो कि नॉर्मल वे में हम प्रॉफिट को दो भागों में बांट रखे हैं। प्रॉफिट जो है हमारा दो तरह का है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंसेस समझ लो, आपको निकालने का तरीका भी आ जाएगा। नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उससे जो इनकम अराइज होता है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए जो ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। इसका एक और नाम है वो भी आप समझ लीजिए, इसको हम EBIT के नाम से भी जानते हैं, EBIT, इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है, अर्निंग ई बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। अब नेट प्रॉफिट क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, या कोई मैंने लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या कोई और इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना पड़ा तो उनको माइनस कर दिया, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको आप ऐड कर दोगे तो निकल के जो आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। यानी आप मोटा मोटा कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालने को कहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो GP जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना सीख लिया, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट दे शो कर रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं तो इसका नाम एक और है वो भी समझ लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो याद होगा मैंने भी आपको यहाँ पे पढ़ाते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था कि जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इससे रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेल्स के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपने माइनस कर दिया, निकल के आया आपका जो उसमें इनकम जो है ऑपरेटिंग इनकम कौन से होते हैं, जैसे आपको डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, कमीशन रिसिप्ट हुआ, ये सब जो टाइप के इनकम है इन सब को आप ऐड कर दीजिएगा, तो जो निकल के आया आपका वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अगर आपका निकल चुका तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो भी हम सीख लें। तो ये अब ये जो हमारा EBIT निकला हुआ है इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, इंटरेस्ट है, रेंट है, या डिविडेंड है, इस टाइप के इनकम जो है हमारे अपने मेहनत के इनकम नहीं है, ये बिजनेस के बाहर से अगर आपको इनकम हो रहा है, समझो इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं और पैसे लगा रखे हैं, रेंट हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं और ज़मीन वगैरह संपत्ति खरीद रखा, डिविडेंड हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं शेयर्स वगैरह खरीद रखा, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड,
नॉन ऑपरेटिंग यानी बिजनेस के बाहर से जो इनकम हो रहा है, जो हमारे मेहनत का पैसा नहीं है, तो दैट्स, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव माने डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो इनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है इसी टाइप के खर्चों को आप ले लो। नॉन ऑपरेटिंग में क्या हो गया, जैसे इंटरेस्ट पेड कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फिक्स एसेट्स है कि किसी फिक्स एसेट्स वगैरह को बेचने से लॉस हुआ, तो इस टाइप के जो खर्चे होंगे इनको आप इसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं है। तो इससे जो निकल के आता है ये आपका नेट प्रॉफिट आता है। चलो तो आपको एक बार फिर से फटाफट फ्लैश कर दो, प्रॉफिट दो तरह का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इसी का दूसरा नाम EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी जो परचेज में सॉरी जो सेल्स से रिलेटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो ऑफिस से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इनको माइनस किया, जो निकल के आया उसमें अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कमीशन रिसिव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसिव्ड हुआ, इस टाइप का अगर कोई इनकम हुआ है तो उसको आप ऐड कर लोगे, जो निकल के आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT कहलाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, इस टाइप के इनकम अगर रिसिव्ड हुए इनको ऐड कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट पेड हुआ, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स है, लॉस बाय फायर है, या लॉस बाय थेफ्ट है, जो बिजनेस के बाहर हमारे खर्च हो जा रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस बहुत एक आध दो ही हैं, बट फिर भी आप सीख लो। हमें बेसिकली P&L बनाने आना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ों को सीखना है।